आपके दिमाग में भी एक सवाल जरूर आया होगा कि जब भारत के पास अपने नोट छापने की खुद की मशीन है तो सरकार अनलिमिटेड पैसा क्यों नहीं छापती, सरकार खूब सारे नोट छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती। इसके देश से गरीबी में भी मिट जाएगी और कोई ना ही बेरोजगारी रहेगा और ना ही कोई भूखे पेट सोएगा। वैसे भी अभी लॉकडाउन का समय है और सभी को ही पैसे की बहुत आवश्यकता है, लेकिन फिर भी सरकार ऐसा क्यों नहीं करती। अगर आपके मन में भी ये सवाल उठा तो घबराइए मत, इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अर्थशास्त्री बताते हैं कि कोई भी देश अपनी मर्जी से नोट नहीं छाप सकता, नोट छापने के लिए नियम कायदे बने हैं। अगर देश में ढेर सारे नोट छपने लगे तो अचानक सभी लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा आ जाएगा और उनकी आवश्यकता और भी बढ़ जाएगी, इसमें महंगाई सातवें आसमान पर पहुंच जाएगी। तो अब मान लीजिए कि सरकार ने खूब सारे पैसे छाप दिए और सबके पास अब लाखों करोड़ों रुपए आ गए, तो अब मार्केट में अगर आप एक टूथपेस्ट खरीदने जाएंगे तो उसकी कीमत पहले 50 रुपये थी, तो अब वह दुकानदार उस टूथपेस्ट को 50 रुपये में क्यों देगा? जहां वो उस पर पहले 5 रुपये बचा रहा था, वो अब वो टूथपेस्ट पर 5 रुपये बचा कर क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि दुकानदार के पास अब तो लाखों करोड़ों रुपए आ गए हैं, तो इसलिए वो दुकानदार को उस टूथपेस्ट की कीमत कई गुना बढ़ा देगा। और उसी तरह कच्चे माल से लेकर तैयार माल तक सभी चीज़ों की कीमत बढ़ेगी और देश की महंगाई आसमान छूने लगेगी। दोस्तों, इसीलिए सरकार मन चाहे पैसा नहीं छापती है, क्योंकि अगर सरकार ऐसा करी तो देश बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।